दोस्तों ये रही हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आ चुकी है और इसका ट्रेन नंबर है 22301 वंदे भारत एक्सप्रेस। बिल्कुल शानदार और लग्जरियस कोच के साथ सकते हैं। हमारे पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है और आज हम इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं पूरा हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम ट्रेन में बोर्ड कर चुके हैं और इस ट्रेन की इंटीरियर दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं इस ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर देखने से पहले आप लोगों से हम बता दें कि इस ट्रेन का तीन हॉल्ट है, टोटल तीन हॉल्ट। पहला नंबर बारसोई जंक्शन, दूसरा मालदा टाउन और तीसरा बारसोई जंक्शन। और तीनों का ही दो तीन मिनट का हॉल्ट है। बारसोई जंक्शन का 2 मिनट का हॉल्ट और बोलपुर का 2 मिनट का हॉल्ट और मालदा टाउन का 3 मिनट का हॉल्ट है। तो बस यही है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 है, पर फ़िलहाल पता नहीं कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो चलते हैं देखते हैं इस ट्रेन की मैक्सिमम किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी है। शायद इस डिस्प्ले में दिखा दी जाएगी आप लोगों को, इस डिस्प्ले में दिखा दी जाएगी। तो देखते हैं इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। और फिलहाल आप लोग तो मेरे साथ देख ही सकते हैं कि ट्रेन की इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। तो कुछ इस तरह का है एसी चेयर कार का, तो बाकी सब एसी चेयर का ऐसी ही होगी सेम टू सेम। तो दोस्तों आप लोगों ने सी चेयर कार का तो आपने देख लिया है इंटीरियर। तो अब चलिए देखते हैं इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास कैसा है। लोग बोलते हैं कि इस वीडियो में दिखाया था, बाकी वीडियो में दिखाया था कि इसका जो सीट है उसका जो सीट्स है वो 360 डिग्री घूमती है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं सीट इसकी सी 360 डिग्री घूमती है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं देखते हैं इसका। डोर्स क्लोज्ड। हम लोग देख सकते हैं ट्रेन डिपार्ट कर चुका है। फाइनल किंतु छेड़ दिलो। फाइनली हमारी ट्रेन छोड़ दी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। बाप रे क्या क्रेजीनेस है यार, सब लोग घूम घूम के देख रहे हैं, पूरा वीडियो करने व्यस्त है सब लोग। Thank you.
बारोईपारा में ट्रेन स्टॉप हो स्लो हो चुकी है, पर इसका कोई शेड्यूल हॉल्ट नहीं है। इसका डायरेक्ट अब नेक्स्ट स्टॉप है बोलपुर, वर्धमान में नहीं रुकेगी। ट्रेन का एक्सलरेशन देख सकते हो भाई, जो जबरदस्त है यार, इतनी क्विक एक्सलरेशन कोई दूसरी ट्रेन कर पाई हो। वंदे भारत है भाई। तो दोस्तों बहुत देर बाद एक नाश्ता आया है, एक फ्रूटी दिया है मैंगो ड्रिंक, साथ में एक इंस्टेंट का रिमिक्स टी, जो पता नहीं चाय मिलेगा कब, तो चाय मिलने के बाद सब होगा। और दूसरा है ये ऑनबिक का एक ओट्स बिस्किट, साथ में एक स्ट्रॉ और एक क्या बोलते हैं इसको स्टिक, इसको मिक्स करने के लिए, इस टी को मिक्स करने के लिए। तो देखते हैं चाय कब तक आता है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही है, और तब तक बाहर का नज़ारा देखिए। दोस्तों ये नानकुनी नहीं वर्धमान है, वर्धमान जंक्शन। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ये नानकुनी नहीं है वर्धमान जंक्शन है, जो स्किप कर रही है। तो अच्छी खासी स्पीड है से আস্তে আস্তে
अब दरवाजा बंद होने वाला है, बीप सिग्नल हो चुका है। दरवाजा साथ में, दरवाजा बंद, बस अब ट्रेन डिपार्ट करेगी। ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बोलपुर शांति निकेतन से, देख सकते हैं। और करीब निर्धारित कितना कितना टाइम पर डिपार्ट की है? 7:45 को। धीरे धीरे एक्सेलरेट लेते हुए स्टेशन में पब्लिक्स को देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब लोग इतना क्रेजी हो जाएंगे वंदे भारत के ऊपर, ये हम सोच नहीं सकते थे, हम लोग सोच नहीं सकते इतना क्रेजी, इतना पागलपंती होगी, हम सोच नहीं सकते। कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं, वो ब्रिज के ऊपर से भी देख रहे हैं। सब लोग के हाथ में मोबाइल, All are getting mad and all are taking photographs for this train. दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आया है। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग सबसे पहले ये रहा एक ब्रेड मिला है, और साथ में बटर और एक जैम, वो भी मिक्स्ड फ्रूट, और एक सैनिटाइज़र, तो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये एक क्या है, ब्लैक पेपर, साथ में एक सॉल्ट और टोमेटो केचप। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं तो नॉन वेज लिया हूँ, अगर कोई वेज लेता है तो आपका वेज है क्या? नहीं, नॉन वेज। अगर वेज लेते हैं तो क्या मिलेगा? मटर की कुछ होगा जो भी हो। हाँ, नॉन वेज में हम लोगों को ऑमलेट और साथ में फ्रेंच फ्राई। तो पहले हम ट्राई करते हैं, पहले हम खा के देखते हैं और टेस्ट बताते हैं आप लोगों को कैसा है। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ये रहा ब्रेकफास्ट। और हमारे हाथ पे अभी ब्राउन ब्रेड है, जो बाकी ब्रेड और से थोड़ा महंगा है। और साथ में हमने ब्रेड के साथ हमने थोड़ा सा बटर मिला दिया है, बटर लगा दिया है। तो अब टेस्ट करके देखते हैं कि ब्राउन ब्रेड कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो बाकी तो हम लोग ये फ्रेंच फ्राई ट्राई करते हैं। फ्रेंच फ्राई ये क्या है, आलू शायद। ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना बढ़िया है। तो खाना ख़त्म करते हैं, तब तक आप लोग बाहर का नज़र लीजिए।
চারিদিকে কুয়াশা। हम मालदा टाउन आ चुके हैं और यहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है MLDT और यहाँ पर नंबर प्लेटफॉर्म 5। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं है, 3 मिनट का हॉल्ट है तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं और चढ़ जाएंगे जल्दी जल्दी, वरना ये गेट आपको जो दिख रहा है, ये गेट क्लोज हो जाएगा और हम बाहर ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मालूम पड़ा कि 20 मिनट पहले पहुंची है ट्रेन, तो 20 मिनट एज अ प्रॉमिस ट्रेन 20 मिनट के बाद ही चलेगी और 20 मिनट के बाद चलेगी। तो अभी फिलहाल 3 मिनट का जो हॉल्ट है वो 20 मिनट तक हो चुका है। तो देखते हैं ट्रेन कब तक चलती है और वेट करते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर तक। और तब तक इस बात बता दें कि ये ट्रेन मालदा टाउन में रुकी है, इसका स्टेशन कोड है MLDT, जो पाँच नंबर प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ट्रेन, और ट्रेन और ये एक्चुअली जिला भी है जो मतलब मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये एक डिवीज़न है और ये एक वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। बस इतना ही जो मैंने बता दिया आप लोगों को। बस मैं थोड़ा डरा हूँ क्योंकि ये गेट है जो बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा तो मैं बाहर ही रह जाऊँगा, मेरे सारे सामान अंदर में है, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा डरा हूँ। और बस आप बाकी कुछ दोस्तों, हम ट्रेन यहाँ पर 3 मिनट रुकने की ट्रेन 3 मिनट रुकने का वाला था, पर यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा रुक चुकी है। और अभी कुछ देर पहले ड्राइवर साहब ने बोला कि ट्रेन का दरवाज़ा थोड़ा सा अटक रहा है, ख़राब हो रहा है, तो
देखते हैं कब तक ठीक होता है कि नहीं होता है, कब तक चलती है ना चलती है। और अब सब लोग को इशारा करके बुला भी रहे थे अंदर जाने के लिए, तो यही बात है। और अभी तक तो शायद कोई गया नहीं होगा, एक बार देख लीजिए सब लोग जा रहे हैं, शायद फ्रंट कैमरा से दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई आ रहा होगा शायद इतने सारे लड़के लोग, तो यही है बस। इसमें मोनू भाई हैं और भी सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, दिखा देता हूँ यार भाई, दिख गया होगा आप लोगों को बस, तो यही है कुछ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो आज इस बार ही मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, मेरा टारगेट है ये इस बार। और देखते हैं, अभी तक ट्रेन गेट बंद हुई नहीं है, देखते हैं तब कब तक बंद होती है और कब तक डिपार्चर होती है। चलो गेट बंद हो चुका है और अब फाइनली गेट बंद हो चुका है और अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है, तो डिपार्चर देखते हैं अब मालदा टाउन का, कुछ यहीं से देखना पड़ेगा क्योंकि गेट तो बंद है, गेट बंद है तो यहीं से देखना पड़ेगा। चलो यहीं से देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर, अब उसके बाद सीधा आपको सीट में मिलता हूँ आप लोगों से। चलो हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है मालदा टाउन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और साइड में कोई एक ट्रेन खड़ी है, कोई शायद पैसेंजर की एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है पटना मालदा। यही है, चलते हैं देखते हैं ट्रेन का डिपार्चर अब। ये है कुछ डिपार्चर, सब लोग वीडियो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि कोई नई दुल्हन आई हो प्राइम मालदा में। लोग बहुत उत्साहित हैं इस वंदे भारत को देखकर। क्योंकि पहली बार आई है पश्चिम बंगाल में, जो हावड़ा से और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चल रही है, चलती है, और ये बुधवार को सिर्फ छोड़कर बाकी सारे दिन सारा दिन चलती है। तो ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है हमारा, हम देख सकते हैं मालदा टाउन से हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं करीब 40 मिनट बाद, आफ्टर बिफोर आई थी ट्रेन। तो चलिए चलते हैं आप सीधा, इसका नेक्स्ट स्टॉप है बारसोई, तब तक कुछ बीच बीच में कुछ शॉर्ट्स क्लिप्स देख लेते हैं, देखते रहिए और इस ट्रेन का आनंद लीजिए साथ साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you.
ভিডিও করছিস? হ্যাঁ, উপরে উপরে উপরে। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट है और ये गेट खुल जा सिम सिम खुलने वक्त खुल जा गेट भी खुल गया ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और ये बारसोई जंक्शन इसका कोड है BOE और ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकेगी सिर्फ। अब इसके बाद है लास्ट स्टॉप न्यू जलपाईगुड़ी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, सीधा न्यू जलपाईगुड़ी रुकेगी और ये पूर्णिया डिवीजन जो डिवीजन के अंदर आता है सीधा हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी में स्टॉपिंग लेंगे और कटिहार डिवीजन जोन के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है कभी भी और ये गेट अगर बंद हो गया तो हम बाहर ही रह जाएंगे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। तो चलते हैं फिर और वेट करते हैं ट्रेन का डिपार्चर तक और मिलते हैं आप लोगों का सीधा डिपार्चर में और बाद में न्यू जलपाईगुड़ी। मोबाइल आप साथ हो डोर्स आर क्लोजिंग, वो बीप दिख रहा है आपको, जूम कर देते हैं और गेट्स बंद हो रहा है। चलो गेट बंद हो गया, देखते हैं स्टैंड का डिपार्चर। पूरा राइट टाइम पे ट्रेन डिपार्ट कर रही है, ट्रेन पूरा डिपार्चर राइट टाइम पे हुई और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट था तो 2 मिनट भी कवर की। कितना सारा सामान है? हाँ, फाइनल में उसमें कितना है?
इधर दीजिए, इधर ही खा लेते हैं, उधर जाने का क्या फ़ायदा। फाल तो ये क्या मैं ले लूँ क्या भैया, ये लेना पड़ेगा क्या, ये दूसरा लेके आएंगे सर। ठीक है लंच में है ये कुछ दही, ये स्वीट दही स्वीट कर्ड, और ये शायद पता नहीं क्या है, खोल के देखना मालूम पड़ेगा। इसमें क्या हो सकता है गेस कीजिए आप लोग, कुछ फ्राइड है, किस चीज़ का फ्राइड है ये, या आप बता सकते हैं किस चीज़ का फ्राइड हो सकता है, कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट पे बता दीजिएगा कि किस चीज़ का फ्राई है ये। कुछ रसगुल्ला और पराठा, पराठा है कि रोटी जो भी हो। ये कुछ चिकन है, ये राइस होगा, ये राइस है, ये दाल है, और साथ पे एक टिशू, टिशू और छोटा मोटा जैसे पेपर्स, और कुछ पिकल्स हैं, अचार अगर आप चाहें तो खा भी सकते हैं, मैं तो वैसे खाता नहीं हूँ पिकल्स, फिर भी दिया है तो मैं रख देता हूँ। और कुछ दिया है क्या, सॉल्ट है, सॉल्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, और हाँ एक स्पून चम्मच लगाओ खाओ। तो चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं किशनगंज नहीं रुकी ट्रेन, बड़ी से बड़ी ट्रेन राजधानी जैसी ट्रेन किशनगंज में रुकती है पर वंदे भारत नहीं रुकी, मतलब इसका कमर्शियल स्टॉप नहीं है यहाँ पर। अगर बाई चांस कोई उतर भी गया तो गेट नहीं खुलेगा, और तो गलती से कोई भी किशनगंज के पैसेंजर नहीं चढ़े हावड़ा में, हमसे यही दरखास्त है। तो नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस करते हुए वंदे भारत को
यात्रीगण की तरह वंदे दो नंबर प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस उसके बाद फिर ठीक हो गया हमारा सुप्रीम ठीक है ना। चलो गेट खुल गया और जर्नी भी कंप्लीट हो चुकी है तो निकलते हैं सब एक एक करके। पैसेंजर्स निकल रहे हैं আপনার तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जर्नी कम्प्लीट हो चुका है और वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही तरीका वीडियो का मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।